गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य जनपदों में बाढ़ और जल जमाव के मामले सामने आए हैं और आज मैं उन्हीं का निरीक्षण करने के लिए आया हूं। यमुना, हिंडन, धमोला, पावधोने आदि नदियों के कारण बाढ़ और जल जमाव की जो बातें सामने आई हैं, मैंने उनका स्वयं हेलीकॉप्टर से भी और जमीन पर जाकर के भी उनका सर्वे किया है। प्रशासन के द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के जो राहत शिविर लगाए गए हैं उन दो का निरीक्षण भी किया है और अभी मैंने प्रशासन के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ यहाँ पर बैठक भी ली है। अतिवृष्टि के कारण उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली में भारी बरसात के कारण यमुना जी में काफ़ी जल भराव हुआ है, काफ़ी बाढ़ की स्थिति आई है और हत्ती कुंड बैराज से भी ज़्यादा जल छोड़ने के बाद ये समस्या और भी विकराल हुई थी। उसमें धीरे धीरे करके राहत की ओर बढ़ रहा है। सहारनपुर जनपद के कुल 118 गांव और शहर के 28 मोहल्ले जल भराव की चपेट में आए थे। इसमें लगभग 3.25 लाख की आबादी प्रभावित हुई, कुछ ज़्यादा प्रभावित थे, कुछ लोग आंशिक प्रभावित थे और उनमें से जो लोग पूरी तरह प्रभावित हुए उन्हें राहत कैंपों में भी लाने का कार्य प्रशासन ने किया है। राहत सामग्री का वितरण हुआ है। 13,000 हेक्टेयर भूमि कृषि की जो बाढ़ की चपेट में आई है, इसका आकलन इसके साथ ही हम लोग करने जा रहे हैं। 7 जन हानि हुई है और 3 पशु हानि भी जनपद सहारनपुर के अंदर हुई है। अभी प्रशासन के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके हम लोगों ने इस पर विस्तृत चर्चा की है। खासतौर पर यहाँ पर जितने भी पीड़ित परिवार हैं जो बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं उनके लिए राहत सामग्री का एक पैकेज बनाया गया है। उन्हें तत्काल 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 2 किलो दाल अरहर, 1 किलो रिफाइंड का तेल, 1 किलो नमक, मसाले, हल्दी मसाला आदि की व्यवस्था के साथ साथ 10 किलो आलू उपलब्ध करवाने, महिलाओं के लिए डिग्निटी किट की व्यवस्था की गई है। जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनके कंपनसेशन के साथ साथ उन्हें बरसाती भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए हैं। जनहानि वाले परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है, उन्हें 4 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर राहत शिविर में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए उचित खान पान की व्यवस्था, नगर निकायों को और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज और ग्राम्य विकास विभाग को स्वच्छता, पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था के लिए भी अलर्ट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह सावधानी बरतने, जहां पर लोगों के स्वास्थ्य की सुविधा के लिए दवा की उपलब्धता की व्यवस्था हो या बरसात में सांप, बिच्छू या किसी भी अन्य जहरीले कीड़े से किसी प्रकार की कोई शिकायत आती है तो एंटी वेनम वैक्सीन या एंटी रेबीज के वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए हर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। जनप्रतिनिधिगण और हमारे सभी विभाग पूरी तरह अलर्ट हैं। एक ओर आपदा की इस चुनौती का सामना कर रहे हैं, दूसरी तरफ सावन के पवित्र मास में कावड़ यात्रा भी परम जोरों पर यहाँ पर चल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार लगभग 4 करोड़ कावड़ यात्री कावड़ के लिए जल हरिद्वार से लेकर के अपने अपने गंतव्यों में, शिवालयों में शिवरात्रि के दिन 17 जुलाई को चढ़ाएंगे
युद्ध स्तर पर एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, उनकी भी पुख्ता व्यवस्था की गई है, सुरक्षा के साथ साथ उनकी आस्था और हर प्रकार की सुविधा का ध्यान शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों के साथ स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर के कर रही है। निगरानी और सुरक्षा के लिए साथ साथ आस्था का सम्मान करने के लिए कल पुष्प वर्षा भी सहारनपुर जनपद में कांवड़ यात्रियों में होगा। आज शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद इन क्षेत्रों में पुष्प वर्षा का कार्य चल रहा है। कल यहाँ पर भी सभी कांवड़ यात्रियों पर प्रदेश सरकार की ओर से उनकी आस्था का सम्मान करते हुए व्यवस्था होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आस्था के सम्मान के साथ साथ हर नागरिक की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है और डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ जनता को इस आपदा के समय में भी न केवल उनकी सुरक्षा के लिए बल्कि उनकी आस्था का सम्मान करने के लिए तत्परता के साथ कार्य करेगी। धन्यवाद।